अगले जन्म नीता मयनी जी के घर में पैदा करना कुंडलियां है, मिलती हैं तो ये सब चीजें होती हैं किसी की और का किस्मत भी आपको मिलती है लक्ष्मी अपने भाग्य को लेकर अपने पति के घर में जाती है या? तो ऐसा सास कैसे देखो उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी उनकी हाय वेलकम टू हर जिंदगी दिस इज मी आशमा जैन और आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एस्ट्रोलॉजी क्या है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी करते हैं इन दिस वीडियो एक्सपर्ट पूजा गुप्ता पूजा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं सेलिब्रिटीज जी पूजा अब मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ ना वो हमेशा चर्चा में रहती हैं कभी अपने डायमंड्स को लेकर साढ़े चार सौ करोड़ का डायमंड कभी अपने बेटे की शादी को लेकर कभी अपने डांस को लेकर कभी उनके सोशल जो एनजीओ पे काम करती हैं चैरिटी को लेकर कभी आईपीएल को लेकर एंड शी इज नॉन अदर देन नीता भाई क्या है मतलब मैं तो मैं शायद सपने में जो तो भी मैनिफेस्टो में एक अफॉर्मेशन लिखनी शुरू कर दूं कि भगवान अगले जन्म नीता अंबानी जी के घर में पैदा करना या फिर वैसी कुंडली देना क्या है उनकी कुंडली में यार दिस इज अ क्रेजी मिक्सचर आई थिंक नीता जी की जब मैं बात शुरू करूंगी तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि उनके लगन में फर्स्ट हाउस आशिमा जो हमारे थॉट प्रोसेस का हाउस होता hmm. है हमारी पर्सनालिटी दिखाता है उसमें केतु है दैट hmm. शोज कि कितने भी महंगे डायमंड पहने कितने भी महंगे पर्स वो कैरी करें लेकिन शी इज वेरी स्पिरिचुअल वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती हैं किसी का बुरा चाहे भी ना hmm. तो नहीं कर सकती हैं शी टोटली बिलीव्स इन कर्मा Hmm. दूसरा उनका जो बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है दैट इज हाउस पे वीनस और मार्स बैठे हैं तो उनको लग्जरी तो मिलनी है ठीक है वीनस के तो सारे उनके पास ऐशो आराम पैसा हमें yeah, लेकिन मंगल की एनर्जी भी साथ में है तो पैशन भी है शी इज नॉट ए काइंड ऑफ लेडी जिसको बस पैसा मिल गया एंड शी इज एंजॉइंग नहीं वो अपना पैशन फॉलो करती है और सेकेंड हाउस में शनि अपनी राशि का होना वो दिखाता है कि मनी आ रहा है बट मनी की पूरी वैल्यू है उसको कैसे यूज करना है कैसे सेव करना है कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट

देखो तो कैसी होगी उनकी सी ये भी हमें उनकी कुंडली से कैसे पता चलता है कि उनके फोर्थ हाउस में जो उनकी गृहस्थी है जो उनका घर है वहां पर अपनी राशि का जुपिटर है तो शी इज अ पर्सन जो बहुत ज्यादा बिलीव करती है संस्कारों में अच्छा। उन्होंने जब उनके बच्चे छोटे थे तब से आई एम श्योर उन्हें बहुत ज्यादा रहा होगा कि क्या रिचुअल्स उनके घर में फॉलो हो रहे हैं हाँ। और वो उनको अपने बच्चों से भी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि वो करें शी इज वेरी सॉर्टेड मैंने बोला ना वो किसी को हर्ट तो कर ही नहीं सकती तो श्योर डे एम श्योर की शिल बी वेरी गुड मदर इन लॉ लेकिन हाँ वो जो एक्सपेक्ट करेंगी वो ये कि जो भी उनकी लाइफ में आ रही है एक बेटी बन के बहू बन के वो उनके घर के संस्कारों को फॉलो करे और आगे लेके जाए बस उनको यही चाहिए बाकी तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कितना सब वो प्रोवाइड करने वाली है

और का किस्मत भी आपको मिलती है बिल्कुल तो शादी के बाद वैसे भी कहते हैं कि आपकी एक नई लाइफ एक नई डेस्टिनी शुरू होती है एंड व्हेन अ फीमेल हु हैज गुड वीनस इन हर हॉरोस्कोप उनकी जब शादी होती है तो कहते हैं ना लक्ष्मी अपने भाग्य को लेकर अपने पति के घर में जाती है तो डेफिनेटली ऐसी फीमेल्स के जाने से हस्बैंड को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है जब वो उनकी फैमिली में एंटर करती हैं तो oh. या yeah. तो शादी तभी तो हम कुंडलियां मिलाते हैं सी कुंडलियां मिलाने का पर्पस क्या होता है हम दोनों एक पार्टनरशिप में है ठीक है मेरे पास एक चीज है मान लो मेरे पास कैपिटल है आपके पास नॉलेज है हम दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा जाएगा हम दोनों के पास कैपिटल है नॉलेज नहीं है हम काम कैसे करेंगे तो इसीलिए जब हम कुंडली मिलाते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि मेरा कोई प्लानट वीक है तो सामने वाले पार्टनर का अगर स्ट्रांग है तो गाड़ी चल जाएगी hmm. अगर दोनों का वीक है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का अगर संतान योग वीक है तो क्या होगा बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे प्रॉब्लम्स आएगी दोनों का स्ट्रांग है बहुत अच्छी बात है अगर एक का वीक है तो दूसरे का hmm. स्ट्रांग होना चाहिए दैट इज द रीजन हम कुंडली में लाते हैं तो दैट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद पूजा आर एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं आप लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं हर, हर जिंदगी को